नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले राजधानी रायपुर का जिक्र करेंगे, जहां कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही है। सीएम आवास पर यह बैठक लगातार जारी है और बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम टी सिंहदेव भी मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए हैं। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी पहुंचे हैं। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर मंथन का सिलसिला शुरू होता हुआ इस तरह से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। चुनावी हलचल कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई। कांग्रेस का ग्रुप चलो अभियान भी, जिसकी समीक्षा के लिए रोजाना ही बैठक की जाती है, हो सकता है कि इस विषय पर चर्चा हो रही हो। साथ ही साथ तमाम वरिष्ठ नेताओं का पहुंचना सीएम आवास पर यह बताता है कि चुनाव को लेकर कितने सक्रियता बरतने की कोशिश अब कांग्रेस की तरफ से। सही है, युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, क्या मकसद इस बैठक का, साथ ही साथ अभी तक कोई जानकारी से लेकर? देखिए अवंतिका, 2023 विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में बूथ स्तर पर बैठक है कांग्रेस की चल रही है। साथ ही साथ जो कांग्रेस में एकजुटता दिख रही है, और इससे पहले भी प्रदेश के जो बड़े नेता है, प्रभारी हैं, पहले मोहम्मद अकबर के यहाँ जो वन मंत्री है उनके यहाँ गए थे, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के घर में बैठक हुई है, और आज मुख्यमंत्री निवास में अहम बैठक हो रही है। कांग्रेस के तमाम आला नेता वहां पर हैं और एक राय सुमारी की जा रही है, रणनीति बन रही है। हालांकि एक ऐसी रणनीति जो चुनाव में किस तरह से लड़ना है, किस तरह से बीजेपी को जो है टक्कर देना है, ये एक बड़ी बात है। और ये तमाम जो चर्चा है, रायशुमारी है, सीएम आवास में अभी लगातार जारी है, तो ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस एक विशेष रणनीति के तहत चुनाव है मैदान में वो उतरेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको युगल जानकारी के लिए। हरदा से एक और बड़ी जानकारी, जहां भुगतान नहीं मिलने पर व्यापारी ने सामान अपना उठा लिया। नगर पालिका ऑफिस से सामान उठाया गया है। फर्नीचर सप्लाई के बाद भुगतान नहीं हो रहा था। भुगतान नहीं मिलने पर व्यापारी ने सामान वापस ले जाने की सनद की और उसके बाद लूटिंग ऑटो लेकर सामान भरकर वहां से व्यापारी चला गया। सरकारी ऑफिस से सामान ले चुका है व्यापारी पूरा अपना। तस्वीरें आप देखें उस वक्त की, जबरन सामान उठाने की थाने में शिकायत भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2022 में निगम की तरफ से सामान खरीदा गया था और अभी तक भुगतान नहीं होने की वजह से व्यापारी भी काफी परेशान चल रहा था, और आज परेशान होकर व्यापारी ने अपना सामान लिया, ऑटो में भरा और वापस दुकान के लिए रवाना हो गया। मुरैना में मूसलाधार बारिश से हाल लगातार बेहाल हो रहा है और झमाझम बारिश का असर यह भी कि अस्पताल में पानी भर गया है। मरीजों के वार्डों में पानी भराया है। अस्पताल में पानी से आधे आधे बेड डूब गए हैं। अस्पताल में पानी भरने से मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पूरी घटना, ये तस्वीरें आप देखिए, चौंका देने वाली तस्वीरें। घुटने भर पानी में मरीज किस तरह से रह रहे होंगे, कैसे उनके परिजन यहां पर उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे होंगे, इसका आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, सीधे मुरैना अस्पताल की ये तस्वीरें, जो कि स्वास्थ्य विभाग पर, व्यवस्थाओं पर तमाम सवाल खड़े करती हुई। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, जो कि अक्सर ही इस तरह का सिनेरियो सामने आता है। हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई खास हिस्सा। खंडवा की बात करेंगे, जहां जमीन के कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें चार लोग घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और यह भी बताया जा रहा है कि कोटवारी की सरकारी जमीन पर हक के लिए पूरी लड़ाई शुरू हुई थी। पुरुष पहले लड़ रहे थे और उसके बाद इसमें महिलाएं भी कूद पड़ी। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से बयान के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। जो दो कोटवारों के परिवार आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और ये पुराना जो कोटवार था उसको एसडीएम साहब ने हटा करके नए की नियुक्ति की है, और उनको जो कोटवारी की जमीन होती है उस जमीन पर कब्जे को लेकर के दोनों पार्टियों में झगड़ा हुआ है, और दोनों ही थाने पहुंचे हैं। उनका मेडिकल करा करके उचित वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ, दोनों परिवार हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी, दोनों ही लड़े हैं, वो महिलाएं भी लड़ी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में आज जमकर हुंकार भरी है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के बाद जेपी नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास का कोई खास काम नहीं किया है। रमन सिंह के विकास के काम पर अपना नाम लगाया है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। भ्रष्टाचार को लेकर जेपी नड्डा ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने लोगों से 2023 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने का भी आह्वान किया है। कि यह प्रदेश एक विकास की
सिंह पूरी मेहनत के साथ उसको धरती पर उतार रहे थे और छत्तीसगढ़ एक विकासशील प्रदेश के रूप में खड़ा। आपके छत्तीसगढ़ में 1890 किलोमीटर की 5 सालों में नेशनल हाईवे बनकर के तैयार हुई है। 1823 वंदे मातरम ट्रेनें चली हैं। 23 आप बताइए, बिलासपुर से नागपुर वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? ये भूपेश बघेल जी कोई काम नहीं करते। आखिर भ्रष्टाचार में डूबे हुए पत्रकार मेरी बात नोट कर लेना, आखिर भ्रष्टाचार में डूबे। बोलो, कोयला घोटाला किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? पांच टन आप बताइए, 68,000 टन चावल गायब हो गया मार्केट से कि नहीं? मित्रों, ये घोटाले की सरकार, लैंड घोटाला। अच्छा ये बताओ, उन्होंने गौ माता भी नहीं खोली? गौ माता में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? गौ माता में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अरे गौ माता को न छोड़े तो और किसको छोड़ेगा? नवंबर में तुम छूट जाओ उनसे, इसकी चिंता करो, इसकी तैयारी करो, इसको हम छोड़ेगा। बोलो, ऐसे भ्रष्टाचारियों को घर रखाओगे ना? छत्तीसगढ़ के महासमर के लिए बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ जहां सूबे में चुनावी रथ की कमान संभालने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने अपना रुख सूबे की ओर कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बूथ चलो अभियान का आगाज कर दिया है। चुनावी साल में कांग्रेस ने बूथ स्तर पर पार्टी की जमीन को और मजबूत करने के लिए इस मेगा मिशन की शुरूआत की है। छत्तीसगढ़ में जीत के प्रण के साथ ही सियासी दलों ने चुनावी रण का शंखनाद कर दिया है। एक तरफ बीजेपी है जो सत्ता में वापसी के लिए बेताब है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो दोबारा जीत का परचम लहराने की रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस ने इसी इरादे के साथ बूथ चलो अभियान की शुरुआत की। चुनाव से पहले बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती देने के लिए सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और राज्य के प्रभारी कुमारी शैलजा सहित पार्टी के कई बड़े नेता मिशन मोड में हैं। बिलासपुर संभाग के पोलिंग बूथों पर पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत और बूथ कमेटियों से चर्चा इसका एक अहम पड़ाव है। सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि चुनाव से पहले हर दल अपने संगठन को और मजबूत करता है, ठीक वैसे ही जैसे किसान खेती के सीजन से पहले खेतों को तैयार करता है। चुनाव से पहले हर कोई अपना संगठन, अपना टीम सब ठीक करता है, और जैसे किसान सीजन शुरू होने से पहले अपना खेत पार कहीं अगर ठीक करना हो तो उसको ठीक करता है। वैसे दुरुस्त संगठन में भी है, संगठन हर स्तर पे पोलिंग से लेकर के और प्रदेश स्तर के जिस विंग में और जिस जगह पे ठीक करने की आवश्यकता है प्रदेश में उसको हाईकमान कर रही है। कांग्रेस के बूथ चलो अभियान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा। रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस को कहीं से बीजेपी के अभियानों की फोटोकॉपी मिल जाती है और उसे कॉपी कर वो चुनावी अभियान चलाती है। हमारी सरकार दोबारा बनेगी, बीजेपी की क्या स्थिति देखने को मिली? बीजेपी के जो कार्यक्रम आते हैं, प्रोग्राम आते हैं राष्ट्रीय स्तर में, उस कार्यक्रम को कांग्रेस वाले उसकी फोटोकॉपी कहीं से मिल जाता है उनको और उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। मगर बूथ का जो सशक्तिकरण का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके वो एक सौवा हिस्सा भी नहीं कर पा रहे। बात बीजेपी की करें तो छत्तीसगढ़ में जोरदार प्रचार के लिए राष्ट्रीय नेताओं का बैक टू बैक दौरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं तो हो ही रही हैं। उम्मीद है कि जुलाई में पीएम मोदी भी छत्तीसगढ़ आएंगे। दरअसल बीजेपी की तरफ से केंद्रीय नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी लगातार छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव है। फिर से राज्य की सत्ता पर काबिज होने के चुनावी प्लान के तहत कांग्रेस माइक्रो बूथ मैनेजमेंट की तैयारी कर रही है। तनु वर्मा, न्यूज 18, रायपुर।
छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव पहली बार कोरबा पहुंचे और यहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जयस्तंभ चौक के पास जमकर आतिशबाजी भी की और उस मौके पर कटघोरा विधायक भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देखिए, जोरदार स्वागत टीएस बाबा का कोरबा के धरती पर। डिप्टी सीएम बनने के बाद खूब गर्मजोशी के साथ स्वागत और उत्साहवर्धन कार्यकर्ताओं की तरफ से। और अब बात कवर्धा की करेंगे, जहां गांजे की तस्करी करने वाले चार तस्करों को कोर्ट ने 11-11 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 1,00,000 का जुर्माना भी लगाया है। मामला 17 फरवरी 2020 का, जब चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 51 किलो गांजा बरामद किया था। इस दौरान चार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया था और इस मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने चारों तस्करों को दोषी मानते हुए 11-11 साल की सजा सुनाई है, जुर्माना भी लगाया। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां ज्वेलरी दुकान से लाखों की उठाई गिरी हुई थी। 4 सोने की चेन लेकर युवक फरार हो गया था। ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचा था युवक। 2 दिन पहले यह घटना सामने आई थी। दोनों दुकानों का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यही वो तस्वीरें हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है, क्योंकि अब चूंकि आरोपी की शिनाख्त को लेकर आसानी होने वाली है पुलिस के लिए इन तस्वीरों के आधार पर। अब आगे की कार्रवाई में पुलिस लगातार जुटी हुई। दोनों दुकानों का सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, सावधान कर देने वाली तस्वीरें। इस तरह से आपको भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, ये भी स्पष्ट होता है। साथ ही साथ दोनों की गिरफ्तारी जल्दी होगी, ये भी उम्मीद अब लगाई जा रही है। बिलासपुर की बात करेंगे, जहां लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। पीड़िता ने युवक पर रेप करने के साथ साथ धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आरोपी आकिब जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आकिब ने पहले युवती से दोस्ती की, पीड़िता को नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देते हुए जबरदस्ती रेप किया और युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो कहा कि इस्लाम कबूल कर ले। वो शादी के लिए इस्लाम कबूल करने से पीड़िता ने जैसे ही मना किया तो उसने शादी से इनकार कर दिया और अब आरोपी आकिब जावेद इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। आज थाना सकरी में एक आईपीसी की धारा 376 के तहत एक अपराध दर्ज हुआ है। महिला ने ये शिकायत की कि उनके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, तो हमने इस पे FIR ली। अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे आज ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिंगरौली की चर्चा करेंगे, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है। मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के वक्त मासूम घर में अकेली थी और पुलिस ने आरोपी का घर भी जबरदस्त किया है। मोरवा थाना क्षेत्र के इलाके की ये पूरी घटना, जिसमें फौरन बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है, ये भी सराहनीय पुलिस की तरफ से पहल। साथ ही साथ नाबालिग का दुष्कर्म हुआ है और आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में है। दूसरी तरफ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी आप देखिए, तत्परता प्रशासन की तरफ से काफी थी इस पूरे मामले को लेकर। एक तरफ ये वारदात और घंटों बाद, महज कुछ घंटों बाद ही बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तो नाबालिग की हालत भी फिलहाल गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में इलाज लगातार जारी। लेकिन सराहनीय बात यह कि फौरन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ घर को भी जमींदोज़ कर दिया गया, जिससे खौफ कहीं ना कहीं पैदा किया जा सके। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शर्मनाक घटना एक बार फिर से यहां सामने आई है। अब खबर कवर्धा से है, जहां मानसून की पहली बारिश में सड़क बह गई है। पुल के किनारे कटाव रोकने के लिए सड़क बनाई गई थी। करीब 203 करोड़ की लागत से रेंगाखाट शिल्फी सड़क का निर्माण हो रहा था। बारिश ने सड़क के निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जरूर पोल खुलकर रख दी है। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से जर्जर हालत में अब यह सड़क है। 203 करोड़ की लागत से सड़क बनाई गई, लेकिन इस सड़क में किस तरह का सामान इस्तेमाल किया गया होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं।
मुरैना जिले में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग पर बड़ी लापरवाही का आरोप लग रहा है। दरअसल जिला अस्पताल से आधा किलोमीटर दूर एक घायल व्यक्ति मिला, जिसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। परिजन घायल को कुछ दूर तक खटिया तक लेकर गए और ई रिक्शा से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में ले जाते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का यह आरोप है कि घायल की मदद को आधा घंटे तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती है। सीएमएचओ इस मामले पर कह रहे हैं कि परिजनों ने फोन ही नहीं किया होगा। ने से उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। पूरे जिले में 55108 एम्बुलेंस संचालित हैं, जो कि सेंट्रली भोपाल से कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। एम्बुलेंस का आधे घंटे में पहुंचने का टाइम रहता है। अब ये मुझे नहीं बताया कि उस व्यक्ति ने या उसके परिजन ने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया या नहीं लगाया, या तो उसके द्वारा फ़ोन लगाया गया होता तो आधे घंटे में एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती। कोंडागांव से भी एक दिलचस्प खबर सामने आई है, जहां अड़की पर लेटी महिला अचानक से जिंदा हो गई। माकड़ी के गागड़ा गांव में कैंसर से पीड़ित बुजुर्ग महिला के शरीर से काफी खून निकलने लगा, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। घर के लोगों को लगा कि उसकी जान चली गई और उसके बाद घर के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। जैसे ही महिला को अर्थी पर रखा गया, अचानक से उठकर बैठ गई महिला। चार घंटे बाद अचानक से महिला उठकर बैठी और उसके बाद हंगामे की स्थिति। घर के लोगों से महिला ने पीने के लिए पानी भी मांगा और घर पर जुटे लोगों ने कहा कि महिला तो जिंदा है, डॉक्टर के पास लेकर पहुंचो। गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग देखते ही देखते इसे सुनकर भी स्तब्ध हुए और साथ ही साथ महिला को देखने के लिए भी भीड़ जमा हो गई। दोनों इधर आई तो देखो यार कैसा कुनाई कैसा भी बोला मैं उसको, वो बोला कि नहीं, बाद में आँख ही कान बटार दिया ऐसे तरता तर होकर जीभ को ना मार दिया। मैं जीभ की भी तुरंत थोड़ा सा निकाला जीभ को और आँखी को ऐसे करके आँखी को मैं थोड़ा रमन दिया ऐसे, तब आँखी अंदर आ गया। अंदर आने को बाद में देखा एकदम हाथ गोड़ शरीर एक गोड़ तो सीधा चीहा वाला था, पर में भी रहा यदि इधर का लड़का ऐसे कर देखा दोनों में जवान जवान नहीं मोड़ा, एक गोड़ तो ऐसे ज रहा। उसके बाद नहीं यार खत्म हो गया। देखो कहीं कहीं आप अपने परिवार का लोग सगा फोन लगाओ, बोला मैं 8 बजे का है, 8 बजे बाद 12:40 में वो साया। उसके बाद कपड़ा लता नमक उमक सब नमक तो बाहर डालते ही गर्म हो गया कैसा तो शरीर रहा न है क्या नहीं। बाद में गए आपको कैसे कब पता चला कि जीवित पाई गई? जीवित पा गए मन नंगरा डोंगरी मेरा बेटी है और शिवर गांव मेरा उसमें उसके शरीर में क्या हलचल हुआ वो बताएंगे। आपको कैसे पता चला कि पलट गया ऐसी छित का तो रहा ऐसी सीधा हो गया ऐसी हड़की हो गया ऐसी होने से ऐसी सब तो रोने वाला था सब बाहर निकला। बोला मेरे को हम बोले कैसे बाहर निकलते हैं डरेंगे क्या उन लोग ने देवी है के दुर्गा ऐसे टाइप पर बात बोला नहीं पानी पियेंगे बोला पानी पिलाया। देखो कौन कौन मेडरगुड़ा है दया ने दिया मेरा ससुरा है वैदी हम भी आए रो के बोला दादा हम जाने पेज पिए पेज पिया इसी के बाद निपाने लोग मन बाहर वाल वाला तो जिंदा है हाँ देखूंगा कहीं खोकोड़ी केसरपाल जगदलपुर ऐसी बाहर लोग अपने परिवार रहा गांव वाला उतने समय निकल गए। तकरीबन कितने घंटे तक होश में नहीं थे? 8:12:40 4 घंटे 40 मिनट हुआ। इधर मुंगेली के धर्मपुर आंगनवाड़ी केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र में कोबरा सांप स्नेक कैचर टीम को दी गई। स्नेक कैचर की टीम जब तक मौके पर पहुंची तो बताया गया कि सांप फर्श के भीतर घुस गया था। जब सांप की तलाश में फर्श को तोड़ा गया तो वहां पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। यहां कोबरा के 19 सपोले मिले हैं, रेस्क्यू उनका एक एक कर किया गया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़ा जा सका। खबर दिनभर में इतना ही, नमस्कार।